वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथर बॉक्स के बारे में। अब ये ऑथर बॉक्स क्या होता है और कैसे इसे हम अपनी वेबसाइट पे बिना प्लगइन का इम्प्लीमेंट करेंगे। बाय द वे, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर फ्लोटिंग सोशल शेयर बटन और आफ्टर पोस्ट सोशल शेयर बटन कैसे लगाएंगे, वो भी बिना प्लगइन का। सो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मेक श्योर आप चेक कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे ये सारी चीज़ें बिना प्लगइन का पॉसिबल है। बाय द वे, इस समय जनरेट प्रेस थीम पे मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, बहुत सारी चीज़ें जो प्लगइन से पॉसिबल है उसे हम बिना प्लगइन का इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। सो यस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ऑथर बॉक्स इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से काम करता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द माई स्क्रीन, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। ऑलराइट, आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है। दिस इज माई ऑफिशियल वेबसाइट एंड दिस वेबसाइट हैज बिल्ट ऑन जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फास्ट थीम है। और ये थीम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि 90% ऑफ में आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप बाय करेंगे तो आपको लाइफ टाइम वर्जन के लिए $250 पे करने होंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट पे ये आपको 600, 700, 800 रुपए में एंड समटाइम लेस देन 500 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि हम आपको की शेयर नहीं करते हैं। हमारी टीम आपकी वेबसाइट को की के थ्रू एक्टिवेट कर दी है, जिसके बाद आप अपने इस प्लगइन को या फिर थीम को लाइफ टाइम अपने वर्डप्रेस से भी अपडेट कर पाएंगे। दिस इज़ द ओनली ट्वीक, या फिर हम डिफरेंस बोलेंगे। और बहुत सारी वेबसाइट इसे सेल कर रही है GPL बोल के, लेकिन मैं एक डिफरेंस देखता हूँ, इसका GPL कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि जनरेट प्रेस भी बोलता है कि हम इसका GPL नहीं देते हैं। इसका मतलब कि वो आपको क्रैक अवेलेबल कराते हैं, क्रैक देते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। आई थिंक वेबसाइट के करियर में, या फिर मैं बोल लूँ ब्लॉगिंग करियर में, सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है आपकी होस्टिंग और उसके बाद होता है थीम। यही दो चीज़ है जिसे कोई भी विजिटर एक्सपीरियंस करता है या फिर फील करता है, तो क्यों ना इन दोनों चीज़ को परफेक्ट रखा जाए। इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही जेन्युइन मिलने वाला है, कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़, यानी कि ऑथर बॉक्स, आप इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑथर बॉक्स क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है, इसके हम ब्लॉग वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। किसी भी पोस्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि पहले पोस्ट पे, और इस पोस्ट के अगर हम लास्ट में जाएं तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑथर बॉक्स आ रहा है, जहाँ पे सुशील सर के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ, मैंने इतना काम किया हुआ है और इस समय मैं किस पोजीशन पे हूँ। बाय द वे, सुशील सर वेब इनसाइट्स टीम में एज अ टीम लीडर काम करते हैं और समटाइम उन्हें लिखना भी बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये पोस्ट लिखा है और यहाँ पे उनका थोड़ा सा बायो आ रहा है। और अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, इनका फुल बायो पे ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इतने में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो डेटा है ये कहाँ से आ रही है, ऑलराइट, और ये इमेजेस कहाँ से आ रही है। तो इसको देखने के लिए सिंपली आपको जाना है यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे, राइट साइड में जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल में मेरा डेटा यहाँ पे फिल्ड है और यहाँ पे मेरी DP आ रही है। DP अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ग्रेविटर पे जाके आपको साइन अप करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन जो छोटा सा कंटेंट है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद जो बायो जो आएगा, या फिर मैं बोलूँ जो ऑथर का डिटेल आएगा, वो यहीं से आएगा। मैं आपको शो करता हूँ, लेट्स से मैं दूसरे वाले पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मेरा बायो आ रहा है। लेट मी शो यू, यस हियर इट इज़। देखिए थोड़ा सा बायो आ रहा है और यहाँ पे इमेज आ रहा है और नाम आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफाइल से गेट कर रही हैं, जो कि एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं। आज जो वेबसाइट हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ techiedriver.com। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि इसी डोमेन पे हम सारे इम्प्लीमेंटेशंस, सारे टेस्टिंग या फिर हम SEO इसी पे कर रहे हैं। बाय द वे, SEO की एक कंप्लीट सीरीज़ है हमारे चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम
लाइव SEO इसी डोमेन पे कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। सो इस वेबसाइट पे अगर हम चेक करें तो सिर्फ यहाँ पे सोशल शेयर आइकन ही आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और अगर हम चेक करें यहाँ पे तो ऑथर बॉक्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। कैसे होगा यही देखने वाले हैं। बाय द वे इसी सोशल शेयर बटन का मैं बात कर रहा था, इसे हमने लास्ट वीडियो में बनाना सीखा था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, हम आ जाते हैं डैशबोर्ड में। जैसे आप डैशबोर्ड में आएंगे आपको आना है यहाँ पे अपीरियंस में, उसके बाद क्लिक करना है आपको जनरेट प्रेस पे। जैसे आप जनरेट प्रेस पे क्लिक करेंगे वैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे। मेक श्योर आप जनरेट प्रेस का प्रीमियम यूज़ कर रहे हो। अगर आप GPL या फिर नर्ड यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मूव कर जाइए, अगर आपको अपनी वेबसाइट से मोहब्बत है तो। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है एलिमेंट्स, ये आपका ऑन होना चाहिए और इसके सामने लिखा होना चाहिए डीएक्टिवेट, यानी कि अगर ये ऑप्शन एक्टिवेटेड होगा तभी सामने डीएक्टिवेट लिखा होगा। जब ये एक्टिवेटेड होगा तो सिंपली आपको क्लिक करना है एलिमेंट्स पे। जैसे आप एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे और आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऐड न्यू एलिमेंट्स पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे हुक पे और उसके बाद क्लिक कर देना है क्रिएट पे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ ऑथर और बॉक्स, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आपको एक कोड मिल जाएगा, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में किसी पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या करिएगा कॉपी पेस्ट करिएगा और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दीजिएगा। बहुत आसान सा कोड है, इसमें क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट, आपको यहाँ पे सर्च करना है, एक ऑप्शन है जो आपको सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। तो जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट, ये देखिए मिल गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लिस्ट में सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है एग्जीक्यूट PHP वाले बॉक्स पे, यानी कि इसको इनेबल कर लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि इसे आप मिस कर देते हैं, उसके बाद आप कमेंट करते हैं कि ये ऑप्शन हमारी वेबसाइट पे इनेबल नहीं हो रहा है। सो मेक श्योर वीडियो को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखो, बहुत एफर्ट लगते हैं यार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे डिस्प्ले रूल का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब आपको एलिमेंट्स को बताना है कि हमें इस चीज़ को कहाँ दिखाना है, तो हमें दिखाना है इसे पोस्ट के बाद में। तो यहाँ पे हम पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने आप आ जाएगा ऑल पोस्ट, यानी कि सारे पोस्ट के बाद में दिखाना है। जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट, एंट्री कंटेंट यानी कि जो आपने कंटेंट पब्लिश किया है उसके बाद ये कोड काम करे। सिंपल, सिंपली हम इसे क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे और अपनी वेबसाइट पे हम चलेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस मिला। हम किसी भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ऑथर बॉक्स आ तो रहा है लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग बहुत बेकार लग रही है, तो इसे हम कैसे मैनेज करेंगे। यस, एडिशनल CSS में जाके बस थोड़ा सा आपको CSS पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों की कमेंट्स आते हैं कि तुमने लिखा है कि 2 मिनट में ऑथर बॉक्स कैसे बनाएं और वीडियो तुम्हारा 10 मिनट का है। बाय द वे ये ऑथर बॉक्स 30 सेकेंड में बन जाएगा, समय लग जाता है आप लोगों को समझाने में। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, जो बेवकूफ़ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, दिस आंसर इज़ फॉर यू। ऑलराइट, यहाँ पे एडिशनल CSS में आना है और आपको ये CSS भी उस पर्टिकुलर पोस्ट में मिल जाएगा और ये CSS सिंपली आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे एंड देखिए आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई। अगर इसका हम मोबाइल व्यू देखें तो देखिए कितना अमेजिंग लुक आ रहा है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये एक बग है जो इमेज ऊपर आ रही है, इसे भी आप फिक्स कर सकते हैं। मुझे ये पर्सनली अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे मार्जिन टॉप कर दिया। अगर आपको इसे मैनेज करना सीखना है तो यहीं पे मैंने कहीं दिया हुआ है, लेट यू नो कि कैसे मैंने किया हुआ है। यहाँ देखिए मार्जिन टॉप 60 पिक्सल है, सिंपली इसको आपको क्या करना है, हटा देना है। जैसे आप इसे हटाएंगे देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग आ जाएगी, इट्स अप टू यू कि आप कैसा रखना चाहते हैं। सिंपली मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ और हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और एक स्टैटिक पोस्ट पे हम देख लेते हैं, किसी भी पोस्ट पे क्लिक करते हैं एंड यस ऑथर बॉक्स इज़ डन नाउ। अगर हम कहीं पे भी क्लिक करें तो देखिए कुछ इस तरह का ऑथर बॉक्स आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है, इफ़ यू नो द CSS देन यू हैव राइट्स टू एडिट द कोड,
बट यार क्रेडिट दे दिया करो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इस समय वेब इनसाइट्स के कोड को लेके यू नो यूट्यूब पे बन गए हैं, जहाँ पे लोगों ने क्रेडिट तक हटा दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्रेडिट डाला है वेब इनसाइट्स ऑथर बॉक्स। आपको ये सारे कोड्स अगर फ्री में रहे, मतलब मिल रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट क्रेडिट रहने दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं तो इन फ्यूचर मुझे ये सारी चीज़ें पेड करनी पड़ेंगी, ना क्रेडिट मिलना है ना पैसे मिलने वाले हैं, किस लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स हैं, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे हम कहाँ चले जा रहे हैं, अबाउट अस वाले पेज पे। यानी कि ये जो ऑथर बॉक्स का जो बायो है बहुत छोटा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 3 डॉट दे दिया है। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए हम पर्टिकुलर पेज पे चले जा रहे हैं। आप अपने अबाउट अस वाले पेज का लिंक कहाँ डालेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए AHREF, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, वो लिंक डाल देना है अपने ऑथर वाले पेज का, यानी कि अबाउट अस वाले पेज का। जैसे आप डालेंगे वहाँ पे, आपके उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा इन 3 डॉट पे क्लिक करके। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सच अमेजिंग ऑथर बॉक्स फॉर फ्री एंड विदाउट एनी प्लगइन। और इस तरह से आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके आप ऑथर बॉक्स बना सकते हैं, वो भी बिना प्लगइन का। सो यस, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। अपने टॉपिक और अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ताकि मैं उस पर रिसर्च करके आपके लिए कुछ नई वीडियोस ला सकूँ। तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी डिजाइनिंग।